हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों के दुआ के साथ हम सब भी ठीक हैं। तो मेरी आज की ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैं सुबह उठते ही पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही बाकी काम करती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद हमने चाय भी पी ली और बच्चों को भी दूध पिला दिया है। तो करने के बाद मैंने सोचा अभी मैं बेड को बिछा लेती हूँ अच्छे से, तो क्योंकि बच्चे थोड़ा लेट उठते हैं उनका भी। बेटी तो अभी फ़िलहाल स्कूल में नहीं दिया है और बेटे स्कूल जाता है पर अभी स्कूल तो बंद है, सबको पता ही है, तो इस कारण से सब लोग लेट उठते हैं। तो इसके बिछाने के बाद मैं घर पोछ लूँगी और थोड़ा कपड़ा है वो भी धो लूँगी, फिर बाद में मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो मेरा घर आप लोगों ने वैसे देखा ही होगा, तो ये रेंटेड हाउस है, बहुत छोटा है, बेडरूम थोड़ा फिर भी बड़ा है बाकी रूम से, तो जगह नहीं है रखने के लिए चीज़ों को। तो मैं ब्लैंकेट को वॉशिंग मशीन के ऊपर ही रख देती हूँ और उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया है, वो पुराना कर्टेन था, उसके ऊपर मैंने लैपटॉप का बैग भी रख दिया है। तो ये आए हैं ढूंढने के लिए उनका मोबाइल का चार्जर, तो इनको नहीं मिल रहा था। इनको आंखों के सामने भी रख देते हैं चीज़ें पर इनको नहीं दिखाई देता है, मजाक कर रही हूँ। ये लोग ऐसे ही है, इनके हाथ में देना पड़ता है सब चीज़, चाहे बेटा हो या पापा हो। हमने जब बेड को ऑर्डर किया था तब हमने किंग साइज़ ही ऑर्डर किया था, पर ये किंग साइज़ से भी ज़्यादा बड़ा बना दिया इन लोगों ने, तो उसके हिसाब से हमारा मैट्रेस थोड़ा छोटा पड़ रहा था। तो मैंने इसको कवर करने के लिए पुराना पिलोस था मैंने उसको अंदर साइड में डाल दिया है। तो आप लोग को जो छोटा वाला पिलो दिख रहा है वो इनाया का है, मस्टर्ड पिलो है, अभी भी वही यूज़ कर रही है, नया लेना है उसके लिए। अभी जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, बैग, दोनों बिजी है डोरेमोन देखने में, तो ये दोनों देख रहे हैं डोरेमोन। तो ये लोग खा रहे हैं मूसली। इनाया क्या देख रही हो? डोरेमोन। तो इस दोनों को अभी नहाना है, पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। गए हैं प्याज 50 रुपीज़ केजी, आलू 50-50, टमाटर 40-40 और ये सब्ज़ी 100 रुपीज़ केजी। तो आपको शायद पता होगा नहीं, हमारा लैंग्वेज में तो इसको भात केला बोलते हैं। और धनिया, सॉरी पुदीना और धनिया 20-20 और बच्चों की वही। तो मैं यहाँ पे अभी बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आज भुना हुआ चिकन मसाला और प्लेन दाल और प्लेन चावल, क्योंकि ट्यूसडे को आयन का डोबर क्लास रहता है, एक सुबह और एक दोपहर में, तो इसके वजह से मैंने बहुत जल्दी जल्दी में खाना बना लिया है। तो मैं यहाँ पे लहसुन कूट रही हूँ दाल को बगार देने के लिए, तड़का देने के लिए, और उस तरफ मैंने प्याज को फ्राई होने के लिए रख दिया है चिकन के लिए। अगर बना हुआ चिकन मसाला का आपको रेसिपी देखना है तो मेरे दूसरे चैनल में है, मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो यहां बारिश हो रही थी अभी रुकी है, तो ये गए हैं जिम को अभी। तो ये लोग टीवी देखते देखते जूस पी रहे हैं।
तो आयान का अभी 2 o'clock फिर से क्लास स्टार्ट होगा। ट्यूसडे को 2 क्लास होता है। आज के हमारे दोपहर के खाने में है स्टीम राइस, भुना हुआ चिकन मसाला। अगर इस रेसिपी को आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे है, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और दाल तो अभी बज रहे शाम के 5:30, तो मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी। वैसे तो हम लोग चाय पीते हैं, पर आज हम लोग पी रहे हैं चाय, और साथ में मैं फ्राई करूँगी साबूदाना के पापड़, जो उस दिन हमने ड्राई फिश के साथ ही लिया था। तो हम सबको पसंद है साबूदाना पापड़, और वहाँ पर ही अच्छा मिलता है जो फूलता है। बाकी सबसे लेके आते हैं, पर मिलता है आसपास में भी, पर वो फूलता नहीं है अच्छे से। और बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ साथ में ही। तो हम लोग ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीते हैं, 2-3 महीने में एक बार या फिर महीने में एक बार बहुत कम पीते हैं, तो इसलिए कॉफ़ी का हम लोग ऐसे पैकेट ही रखते हैं। और बच्चे बोल रहे हैं आज उनको हर्सली का सिरप के साथ ही पीना है। वैसे तो मैं आयान पीता है माइलो और इनाया पीती है हॉर्लिक्स या फिर बोनबीटा, पर आज वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं हर्सली का चाहिए, दोनों को हर्सली पसंद है। मैं पर मैं ये डेली नहीं देती हूँ, कभी कभार शाम के वक्त दे देती हूँ, सुबह तो नहीं देती हूँ। सुबह मैं जो हॉर्लिक्स या बोनबीटा आता है वही देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी अगरबत्ती जलाने के जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है। कुछ 1-2 हफ्ते से बहुत बारिश हो रहा है शाम के वक्त, और बारिश के मौसम में तो आप लोगों को पता ही होगा थोड़ा घर से स्मेल जैसा आता है कभी कभार, तो वो नहीं आने के लिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा अगरबत्ती लगाते रहे। रूम स्प्रे लगा लेती हूँ, पर फिर भी रूम स्प्रे तो रूम स्प्रे ही है, बहुत देर तक नहीं रहता है। अगरबत्ती का स्मेल थोड़ा देर तक रहता है तो अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए लगा लेती हूँ शाम के वक्त या फिर सुबह में, सुबह नहीं मतलब दोपहर में। तो ये दोनों खेल रहे हैं बाहर, आयन और इनाया, और इनका काम चल रहा है। तो ये वाला पापड़ हम लोग फ्राई करेंगे आज।
तो यहाँ पर आयान बोल रहा है यम्मी, तो इनाया भी साथ में ऐसे यम्मी बोल रही है और उन दोनों को दे दिया है दूध और पापड़। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कॉफ़ी और पापड़, तो इनका काम चल रहा है। तो अभी कुछ देर पहले इन्होंने काम स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैं शाम के वक्त बिस्किट मिक्सर या फिर कुछ भी नाश्ता बनाती हूँ तो मैं इनको खिला देती हूँ। चाय और कॉफ़ी ये खुद अपने हाथ से ही पी लेते हैं, बाकी मैं खिला देती हूँ। कभी कभार अगर काम कम होता है तो खुद से ही खा लेते हैं। तो इनाया को यहाँ पे पानी चाहिए और मैं इस मग को टेबल पर ही रख देती हूँ पानी हाफ मग करके, क्योंकि बच्चे कभी भी खेलते रहते हैं तो उनको प्यास लगते रहते हैं तो कभी भी आके पी लेते हैं, नहीं तो फिल्टर ओपन करते तो पूरा पानी मतलब गिरा देती है इनाया ज़्यादातर और पूरा किचन गंदा कर देती है, पानी पानी कर देती है। तो इसकी वजह से मैं मग में ही भर के रख देती हूँ ताकि इनको आसानी हो लेने में टेबल पर ही। तो ये लोग खेल रहे बज रहे शाम के से यानी कि 6 o'clock। तो आप लोगों को शायद से लग रहा होगा कि धूप है, पर धूप नहीं है, स्ट्रीट लाइट ऑन है और बारिश के कारण थोड़ा मतलब अंधेरा जैसा है, तो स्ट्रीट लाइट जल्दी ऑन हो गया है। तो इसके साइड आप लोगों को लग रहा है कि धूप है पर धूप नहीं है, स्ट्रीट लाइट है, तो आप लोग देख सकते हैं साइड से देखिए। और ये काम कर रहे हैं और शाम के बज रहे से। तो देखिए इन्होंने क्या बनाया है, ये है आर्ट वर्क जो हमारी धर्मपत्नी ने बनाया है। ठीक है, तो आपको थोड़ा पास में रुको पढ़ के देते हैं, ऐसे तो उल्टा होगा ना उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, बाद में जब लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। तो पहला जो कोट है जो आप देख सकते हैं उसमें लिखा है द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव। अच्छा, दूसरे में लिखा है माई किचन माई रूल्स, ये देखिए। और जो लास्ट है वो ये है और जिसपे लिखा है द किचन इज द हार्ट ऑफ द होम। तो ये तीनों आप देख सकते हैं बनाए हैं हमारी धर्मपत्नी ने, ये अच्छे लग रहे हैं कलर्स। अगर आप लोग का इसका फुल वीडियो देखना है तो मेरे दूसरे चैनल पे है, आप लोग वहां देख सकते हैं। तो ये आर्ट वर्क आप कर सकते हैं, सजा सकते हैं अपने किचन को, ड्राइंग रूम को, बेडरूम को। बहुत ईजी है, ऐसे कार्डबोर्ड्स मिलते हैं आपको शॉप में, जो भी कार्टन्स हैं उस कार्टन को काट के आप उस पे पेपर लगा के मन चाहे डिज़ाइन बना के उसमें ऐसे आर्ट वर्क कर सकते हैं। नाइस। तो अभी ब्रेक है और ब्रेक में अभी देखते हैं लोग क्या करते हैं। बदमाशियाँ, एक बदमाशा बैठा पीछे वो रहा और एक यहाँ पे। तो एक बदमाश ये है इनाया, देखो कैसे कर रही है ये दिन भर इन लोगों का दिनों का ही चलता है टॉम एंड जेरी की तरह दिन भर। ये टॉम है और वो जेरी है। टॉम जेरी ये है, हाँ जेरी ये है, सॉरी जेरी ये है और टॉम ये है। देखिए इसको, देखिए ध्यान से इन दोनों को। तो रात के डिनर में हमने लिया है दोपहर का ही दाल, आम का अचार, चिली पिकल, रोटी, एक भुज्जी और भुना हुआ चिकन मसाला। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।